पहले यादव को रिझाया, फिर कुशवाहा पर दांव लगाया, भूमिहार से भी मोह त्याग नहीं पाया। अमित शाह आए, अति पिछड़ों को लॉलीपॉप दिखाए, अब दलित का झंडा उठा लिया। बिहार में बीजेपी पूरी तरह कन्फ्यूज्ड, करे तो क्या करे, नीतीश ने जाल ही ऐसा बुना है, विपक्ष पूरी तरह उलझ गया है। नीतीश ने अपना अंतिम सियासी पाशा फेंक दिया है, जाति का जिन बोतल से निकल गया है। फिलहाल बीजेपी के पास उसका काट ही नहीं। राजद से लड़ने के लिए यादव जाति के नित्यानंद राय को तैयार किया, लेकिन बेअसर साबित हुए। फिर नीतीश तेजस्वी को हराने के लिए कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला, लेकिन जाति गणित में वो भी मात खा गए। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने ही चौधरी का कद छोटा कर दिया। मुजफ्फरपुर की रैली में राजद को अमित शाह ने सीधे चुनौती दे डाला। शाह ने राजद को कहा, अति पिछड़ा को सीएम बनाओ, इसका मतलब तुम नहीं बनाओगे तो हम बना देंगे। अमित शाह की रैली के बाद बीजेपी तेजी से अति पिछड़ा चेहरा खोज ही रही थी, तभी पीएम मोदी ने दलितों को मोहने के लिए सियासी बांध चला दिया। पीएम ने मांझी प्रकरण में रामविलास पासवान को शामिल कर नीतीश को दलित विरोधी करार दिया। फिलहाल बीजेपी मिशन 2025 पर लगी है, लेकिन उससे पहले महामुकाबला 2024 में है। फिलहाल तो 2024 के लिए बड़ा चेहरा मोदी हैं। बीजेपी का अति पिछड़ा चेहरा मोदी के मुकाबले फिलहाल कोई नहीं दिख रहा, लेकिन असली परीक्षा 2025 में है। बीजेपी की दुश्मन नंबर वन नीतीश रिटायर होने की घोषणा कर चुके हैं। यादवों के नेता तेजस्वी पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुसलमान वोटों पर एकाधिकार की घोषणा कर चुके हैं। बीजेपी ने भी मान लिया है कि यादव कुर्मी और मुसलमान उसे फिलहाल कतई नहीं अपनाएंगे, इसलिए यादव और मुसलमानों को पार्टी ने अपने निशाने पर ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल, कुर्सी कैसे मिलेगी? इंडिया गठबंधन के साथ फिलहाल यादव कुर्मी और मुसलमान डटकर खड़े हैं, मतलब 35% वोट पक्का। अति पिछड़ा जुड़ गया तो 70% वोट, क्योंकि लालू और नीतीश ने हमेशा पिछड़ा और अति पिछड़ा की गुलबंदी की है। हालांकि जातीय जनगणना के बाद अति पिछड़ा समुदाय का मूड थोड़ा बदला दिख रहा है। अति पिछड़ा समुदाय इस पर सत्ता में हिस्सेदारी मांगना शुरू कर दिया है। बात बीजेपी की करे तो पार्टी ने पहले लालू से लड़ने के लिए पिछड़ा समुदाय के नित्यानंद को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन नित्यानंद यादवों के दिल में नहीं उतर पाए, जैसा आज भी लालू का क्रेज है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पिछड़ा समुदाय के कुशवाहा जाति से हैं। पिछड़ों में यादवों के बाद आबादी में दूसरे नंबर पर बीजेपी में जिस तेजी से उनका कद बढ़ा, वो सीएम फेस बन गए हैं। लेकिन अमित शाह ने अति पिछड़ा सीएम का नारा देकर उनका कद छोटा कर दिया। बीजेपी फिलहाल अति पिछड़ा कार्ड खेल रही है, लेकिन चेहरा कौन होगा? पार्टी के पास अति पिछड़ा चेहरा फिलहाल एक भी नहीं दिख रहा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को पार्टी ने डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन उभरने नहीं दिया। पीएम ने दलितों को मोहने की कोशिश तो कर दी, लेकिन वहां पे वोट चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ही दिलाएंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास चेहरों की कमी थी, लेकिन पार्टी ने ऐसे चेहरों को बहुत आगे बढ़ाया ही नहीं। कहने का मतलब, पद दिया, कुर्सी भी दिया, लेकिन बाद में भुला दिया। अति पिछड़े समुदाय के रामेश्वर चौरसिया एक समय उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन आज उनका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। कामेश्वर चौपाल राम मंदिर के नींव डालने वाले दलित चेहरा, लेकिन बीजेपी ने कभी भी उन्हें उभारने की कोशिश ही नहीं की। संजय पासवान अटल सरकार में मंत्री, बिहार में बहुत तेजी से उभरे,
लेकिन पार्टी ने कभी भी इन चेहरों को भुनाने की कोशिश नहीं की। बिहार में बीजेपी हमेशा सवर्णों के भरसे रही, लेकिन जातीय जनगणना के बाद अब राजनीति का चाल ढाल ही बदल गया है। बीजेपी अपने निर्णयों से हमेशा चौंकाने का भी काम करती है। मोदी के नाम पर 2024 में इंडिया से लड़ने में फिलहाल तो कोई खास परेशानी होती नहीं दिख रही है। मिशन 2025 में फिलहाल लंबा समय है, तब तक पार्टी अति पिछड़ा और दलितों में नया नेतृत्व तैयार कर सकती है। हालांकि तब बीजेपी कुशवाहा को कैसे समझाएगी, हमेशा वोट देने वाले बनिया समुदाय को क्या कहेगी, और पार्टी को अभी तक लीड कर रहे सवर्णों के लिए पार्टी के पास क्या जवाब होगा। बीजेपी के लिए ये तमाम सवाल आने वाले समय में सिरदर्दी साबित होने वाले हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।